वेलकम टू आवर चैनल यूपी पाठशाला। तो हम आज लेकर आए हैं एक नया आपके लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, सवाल है अंडर रूट एक्स, फिर उसके अंदर रूट दे रखा है, फिर एक्स, फिर रूट एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इसमें ये देखने में तो आपको बहुत ही टफ क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन एक मिनट में आपके क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। बस आपको एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे हम क्या है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर रूट है यहाँ की पावर a है और x की पावर b है, तो जब इस वाले रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x ये नीचे चला जाएगा, यानी b अपॉन a हो जाएगा। भाई इसका ध्यान रखिएगा। देखिए ये क्या है, प्रॉपर्टी है, जब रूट हटाया जाता है तो जो भी यहाँ पावर, यहाँ पे जो जैसे 2 होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर x की पावर 4 होती, तो ये क्या हो जाता, x की पावर 4 अपॉन 2। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको, क्या हो जाता है, ये हमारे पास x की पावर 2, यानी ये जितना भी यहाँ लिखा होता है वो कहाँ पे आ जाता है, इस पे अपॉन में आ जाता है, ये इस वाले पावर के अपॉन में आ जाता है 4/2। तो इस तरह से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे x रूट एक्स और रूट एक्स, ये रूट पूरे पे है। तो हम क्या करेंगे, आप देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, देखिए तो जब ये वाला, देखिए ये रूट हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके वन ये क्या है, रूट जब कुछ नहीं लगा होता तो यहाँ पर 2 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये x रूट का, इसको ऐसे रहने देंगे, तो ये वाला रूट हटाएंगे तो इस क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2। यहाँ तक समझ में आया मेरे ख्याल से, उम्मीद है समझ में आया होगा आपके। अब देखिए इसके बाद क्या करना है हमें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक, अब इन दोनों का आपको पता है, एक हम प्रॉपर्टी हो जानते हैं, तो x की पावर a, और जब बेस सेम होते हैं और दोनों क्या हो जाते हैं, a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। तो अब a 1 और 1/2 कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आसानी के साथ, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। पर इसके बाद देखिए इसको क्या करना, अब ये वाला रूट हटाना है। तो आपको पता है जब ये रूट हटेगा 1/2 कहाँ पर आएगा, नीचे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x, जब ये रूट हटेगा, ये हटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, अब इसके देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 2 और नीचे आ जाएगा बस, x की पावर क्या हो जाएगा, 3/4, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी, 2 ये वाला आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 3/4। तो x की एस रेस पावर 3/4 हो जाएगा। तो अंडर रूट में देखिए क्या आया, x मल्टीप्लाई बाई x रेस टू पावर 3/4। अब देखिए ये वाली प्रॉपर्टी हम क्या हो फिर इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे क्या है, 1, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये देखिए x, ये दोनों जोड़ेंगे 1 + 3/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 7/4। फिर अगेन ये यहाँ पे रूट है, ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब इसको हटाएंगे रूट को, तो x 7/2 और आ जाएगा, इसी वाला नीचे 8। तो देखिए ये न्यूमरेटर हमारा सॉल्व हो चुका है। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, रूट एक्स और रूट एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 7/8। अब इसके बाद आपको पता है, सवाल में देखिए सवाल क्या था हमारे पास, ये सवाल था, अब ऊपर वाले की वैल्यू आ गई हमारे पास x रेस टू पावर 7/8। अब क्या होगा, ऊपर वाले की वैल्यू 7/8 और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या है x। अब देखिए आप जानते हैं नीचे की पावर जब ऊपर जाती है क्या हो जाता है, माइनस। तो हम क्या कर सकते हैं, x की पावर 7 और मल्टीप्लाई बाई x की पावर -1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7/8 - 1, तो x की पावर आ जाएगी हमारे पास, ये माइनस हो जाएगा, तो -1/8। तो इस तरह से ये हमारे पास यहाँ पर इस वाले सवाल का सॉल्यूशन आ चुका है। तो हम क्या कह सकते हैं, रूट एक्स और रूट एक्स अपॉन एक्स। तो इस तरह के जितने भी सवाल होंगे हम क्या करेंगे, उसका आंसर क्या आएगा, एक्स की पावर -1/8। उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।